सेट टू का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन है, जिसमें पहला क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन था, एक प्रकाशक अपने लेखकों की बिक्री पर भुगतान करता है। पूरा क्वेश्चन देख लें, इसको पढ़ लें, पहले भी ये भेजा हुआ है आपको। और इसका देखिए सोल्यूशन है, इसमें एक्सेस बिक्री पे वाई का प्रयोग किया है, वाई को एक्सेस बिक्री के अनुपात में लिया है प्रोपोर्शनल टू वाई बराबर के ई, इसको समझना है सोल्यूशन दे के। और इस के की वैल्यू ज्ञात हो जाती है और एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाती है, और फर्दर जो है उसी प्रकार आगे इसका आंसर निकाला है। अगर समझने में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ए बी सी रियल नंबर है, जिसमें कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें हमें फिर नीचे वैल्यू निकालनी है उसकी कि कितने वैल्यू है, बस वैल्यू नहीं निकालनी है कितने वैल्यू है उसके, लेकिन ये इसको सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। पहले इक्वेशन से देखिए ए क्यू बराबर 8 इंटू बी प्लस सी आ रहा है, बी क्यू बराबर 8 इंटू ए प्लस सी आ रहा है, और ए सी क्यू बराबर 8 इंटू ए प्लस बी आ रहा है। फिर हमने ए क्यू माइनस बी क्यू निकाला, सिमिलरली देखिए इसको सॉल्व करके हमें ए बराबर बी बराबर सी आ जाता है, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर तो हमें 1/8 वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए गेहूं और दाल की कीमत वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। इसको समझने की कोशिश करें, नवा क्वेश्चन था, एक व्यक्ति कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचता है एक वस्तु, और 18% लाभ पर बेचता है तो 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, और 25% लाभ पर बेचता है तो 72 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यदि वह 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, एक क्वेश्चन था। इसका इस प्रकार से सोल्यूशन होगा। और 10वां क्वेश्चन था कुर्सी टेबल वाला, देखिए इसको किस प्रकार निकाला गया है। तो इस प्रकार से इसमें सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए गए हैं। फिर भी आपको यदि लगता है कि सोल्यूशन मेरे समझ में नहीं आया है, सोल्यूशन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैं यह सवाल दोबारा नहीं बना सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से इसका हिंदी वर्सन में एक एक चीज़ समझा करके मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। और इसी पे मैं दूसरा सेट भी दूंगा आगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को, हार्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है। धन्यवाद।